हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला की एक सत्य घटना पर बनी फिल्म ब्रीना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ने जा रही है। इस फिल्म को इंटरनेशनल वुमेन फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाएगा। ये देश की इस वर्ष चयनित होने वाली इकलौती फिल्म है जिसे इस फेस्टिवल में दिखाया जाएगा। हिमाचल की लोक संस्कृति पर बनी फिल्म ब्रीना 28 मार्च को अमेरिका के न्यू जर्सी में दिखाई जाएगी। फिल्म का चयन यहां आयोजित होने जा रहे इंटरनेशनल वुमेन फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है। ब्रीना सत्य घटना पर आधारित फिल्म है जिसकी झलक आज समाज में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। मंडी जिला के पिंगला गाँव में वर्षों पहले ब्रीना प्रथा का प्रचलन था, जिसके तहत साहूकार पैसे देकर किसी भी युवती को अपनी पत्नी बना लेता था। गांव की एक युवती लोहला ने इस कुप्रथा का बहिष्कार किया और गांव के कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। इस युवती की याद में आज भी पिंगला गांव में बसोआ के नाम से बैसाखी वाले दिन मेले का आयोजन किया जाता है। इसी सत्य घटना पर आधारित है फिल्म ब्रीना। दूसरी और रंगजेब बना देगी आपको। अम्मा बाबूजी को कोई जल्दी नहीं है लावला के लगन की। तेरा जितना भी कर्जा है ना सब माफ। अपने ससुर से जाके बोल दे जितना भी ब्रीना चाहिए ना मुँह मांगी कीमत दूंगा। फिल्म का निर्देशन मंडी के ही पवन कुमार शर्मा ने किया है, जबकि फिल्म के निर्माता हैं अनिल काबरा। ब्रीना को अभी हम लोग एक साल से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर बहुत से देश विदेशों के अंदर जा रही है। और सबसे खुशी की बात यह है कि 28 मार्च को न्यू जर्सी के अंदर वुमेन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसका शो हो रहा है। हिंदुस्तान से एक ही फिल्म गई है, वो गई है ब्रीना। एक वर्ष में ही इस फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। फिल्म ने अभी तक कई अवार्ड जीते हैं। प्रयाग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ज्यूरी और बेस्ट विलन का अवार्ड जीत चुकी है, जबकि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जयपुर में भी फिल्म ने बेस्ट ज्यूरी, बेस्ट विलन और बेस्ट एक्टर का खिताब अपने नाम किया है। यही नहीं, फिल्म को 23 से 26 मार्च तक होने जा रहे नासिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाने का निर्णय लिया गया है। अभी लेटेस्ट इसको नासिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी सिलेक्ट किया है, जो 23 मार्च से हो रहा है। 23 मार्च से 26 मार्च तक नासिक में इसका शो होगा। अभी प्रयाग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसको दो अवार्ड मिले, एक बेस्ट ज्यूरी अवार्ड मिला और बेस्ट विलेन का संजय मिश्रा को मिला। फिर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जयपुर के अंदर, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, उसमें भी 3 अवार्ड से सम्मानित किया गया। हिमाचली और हिंदी भाषा में बनी इस फिल्म की शूटिंग मंडी के जंजहैली घाटी में हुई है। फिल्म में मुख्य भूमिका मंडी के अंशुल और शिमला की आस्था ने निभाई है, जबकि मंडी के ही नीरज सूद भी इसमें एक किरदार निभा रहे हैं। इसके साथ ही फिल्म में मुंबईया कलाकारों ने भी अपनी प्रतिभा दिखाई है। ईटीवी न्यूज के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट।